बॉलीवुड फिल्मी फ्रॉड्स। दोस्तों ये हमारा इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बताया कि आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे किस तरह से लोग फ्रॉड करते हैं, बनाते हैं, और अपने स्टूडेंट्स का एक केस भी मैंने, किस्सा भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आज के वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो है कि कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के नाम रखते हैं, उनसे मिलते जुलते नाम रखते हैं और उन नाम के सहारे वो लोग फ्रॉड करते हैं, क्योंकि उन नामों को लोग जानते हैं और वो नाम रख के वो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं वो आगे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक जैसे बहुत बड़ा नाम है बालाजी टेलीफिल्म्स, तो बालाजी टेलीफिल्म्स के नाम से तो कितने लोग बेवकूफ बना रहे हैं कोई आइडिया ही नहीं। असली नाम है उनका बालाजी टेलीफिल्म्स, तो लोगों ने कंपनियां खोल रखी हैं। कंपनियां क्या खोल रखी हैं, जस्ट नाम रखे हुए हैं, कोई कंपनी नहीं, कोई ऑफिस दफ्तर कुछ भी नहीं है, बस नाम रखे हुए हैं। मैसेज में वो नाम करते हैं बालाजी एंटरटेनमेंट, बालाजी प्रोडक्शन, बालाजी ये, बालाजी वो, बट वो बालाजी का नाम जोड़ा हुआ है और उसके नाम पे लोगों को खूब बेवकूफ बनाया। तो अब ये लोग किस तरह से फ्रॉड करते हैं वो पूरा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा और मैं समझाऊंगा। अब ये मेरे पास एक मैसेज किसी ने मेरे स्टूडेंट ने ऑनलाइन स्टूडेंट ने भेजा है, तो उसने कहीं कुछ फोटो भेजे थे तो उसके पास ये मैसेज आया। मैसेज में बालाजी टेलीफिल्म्स का एड्रेस दिया हुआ है, बालाजी टेलीफिल्म्स का फोन नंबर दिया हुआ है और उनकी वेबसाइट। अब यहाँ इन्होंने क्या किया, जो बालाजी टेलीफिल्म्स का एड्रेस है वो सही दिया, इनकेस कोई जाके पता करना चाहे तो वहाँ बालाजी टेलीफिल्म्स है, उनकी 7 मंजिल की बिल्डिंग है, वो दिखेगी आपको। फोन नंबर है वो भी सही दिया हुआ, इनकेस कोई फोन करके भी पूछेगा तो वहाँ से बालाजी टेलीफिल्म्स जवाब मिलने वाला है आपको। उनकी वेबसाइट दी है, जो भी डिटेल है। अब आगे देखिए कि नया टीवी सीरियल जिंदगी का सफर, मुकाम, मुकाम की स्पेलिंग गलत है, मुकाम MOKAM, तो इससे समझ में आता है कि सामने वाले को कितनी नॉलेज है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम एकता कपूर, मैनेजिंग डायरेक्टर नेम शोभा कपूर, बालाजी टेलीफिल्म CEO जितेंद्र कपूर, ये सब नाम दिए हुए हैं, एंड डायरेक्टर नेम मोहित सूरी। मोहित सूरी ने बालाजी का कोई शो नहीं किया है, ना वो सीरियल करता है। मोहित सूरी बेसिकली जो है भट्ट कैंप की फिल्में करता है, बालाजी के लिए कोई काम नहीं करता, ये एक चीज। और उसके बाद बहुत सारे नाम, आर्टिस्टों के नाम पे हिसाब सब डिटेल जो दी हुई है वो सब दिया हुआ है इसमें, क्या क्या नाम है, क्या सीरियल का डेट है, क्या वो सब, बड़ा लंबा चौड़ा राम कहानी इसमें लिखी हुई है। और उसके बाद क्या ये पूरा डिटेल दिया कि यहाँ शूटिंग होगी, वहाँ शूटिंग होगी, इस तारीख से शूटिंग है, वो पूरा मैसेज में दिया। अब नीचे लिखा कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, यू आर सेलेक्टेड बेटा, बेटा आपका सिलेक्शन हो गया है, ये फलाना नंबर 10 ग्रेड नंबर, ये आर्टिस्ट। भाई जितनी बार ये बेटा बेटा यहाँ बोल रहा ना, इतनी बार तो सगा बाप भी अपने बेटे को बेटा नहीं बोलता है। और ये जो लैंग्वेज इस मैसेज में इस्तेमाल की गई है, इस तरह की लैंग्वेज एटलीस्ट फिल्म लाइन का जो भी जेन्युइन आदमी बालाजी का, वहाँ का स्पॉट बॉय भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेगा। इनकेस आपने फोटो भेजे हैं, आपका सिलेक्शन होता है, तो वहाँ से फोन आएगा, मैसेज नहीं आएगा, व्हाट्सअप तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। फोन करेंगे आपसे, आप पूछेंगे आपका ये रोल के लिए इस सीरियल में, इस काम के लिए सिलेक्शन हुआ है, या आप हमारे साथ शूट करेंगे, ये आपका पेमेंट है, आप करेंगे कि नहीं करेंगे, फाइनल होता तो फिर बात आगे बढ़ेगी। इतनी लंबी राम कहानी नहीं कोई लिख के भेजता भाई, किसी के पास टाइम नहीं है। और नॉर्मली जो डेली सोप्स हैं उनकी कास्टिंग ऐसे होती है छोटे मोटे रोल की कि कल शूट है, रात में 10 बजे फोन आता है, इतना टाइम नहीं है इतनी सब, इतना बात करने का। अब इसके नीचे है कि बेटा यू आर सेलेक्टेड, आप लोगों को जूनियर आर्टिस्ट एंड सेकेंड साइड रोल वाले बॉय, पेमेंट 1 मंथ 40,000, ए ग्रेड, बी ग्रेड 35,000, सी ग्रेड 25,000 मंथली। फिल्म लाइन में एक्टर्स का जो पेमेंट है वो मंथली इस तरह से सैलरी बेसिस पे होता ही नहीं। फिल्म लाइन में जो पेमेंट होता है नॉर्मली जो डेली सोप में जो भी काम होता है वो पर डे बेसिस पे होता है। और अगर
100 पेसेस लीड सेकंड लीड मंथली करते हैं तो भी इस तरीके से नहीं होता, ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड नहीं होता, वहाँ रोल बताया जाएगा कि आप लीड रोल कर रहे हैं, आप सेकंड लीड कर रहे हैं, आप सपोर्टिंग कास्ट है, उस तरह का कैरेक्टर का ब्रीफ दिया जाएगा। ए ग्रेड बी ग्रेड नहीं होता, आप क्या रोल कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर का नाम क्या है, उसके हिसाब से, और वो भी इस तरह से फाइनल नहीं होता। अगर आप कोई मेन लीड सेकंड लीड भी करने वाले होंगे तो बालाजी वाले आपको बुलाएंगे, उनके ऑफिस में बुलाएंगे, वहाँ ऑफिस में आपका लुक टेस्ट होगा, स्क्रीन टेस्ट होगा, ऑडिशन होगा प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स के साथ, फिर उसके बाद रोल फाइनल होता है। इस तरह से एक फोटो भेजने पे रोल फाइनल नहीं होता। आप इसके नीचे कोई राम कहानी, आपको सीरियल में सिलेक्शन खुशी होगी, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको डॉक्यूमेंट भेजना है, हम आपको रेलवे का टिकट भेजेंगे, दो लोगों का पास भेजेंगे, और आप अपने माँ बाप का नाम बताइए, अपना आधार कार्ड नंबर भेजिए, पिन कोड भेजिए, घर का नंबर भेजिए, शहर का नाम बताइए, और इनकेस अगर आपका सिलेक्शन भी हो गया है, बालाजी वाले आपको बुलाएंगे भी, तो वो इतनी राम कहानी नहीं भेजेंगे भाई, वो एक आदमी का टिकट भेजेंगे। और अगर इनकेस कोई फीमेल है या कोई माइनर है तो एक उसके साथ उसका गार्जियन होगा, उसका टिकट भेजेंगे और आपसे फ़ोन पर बात करेंगे और आपका नाम भेज लेंगे और आपको टिकट मेल कर देंगे। पोस्टेज से पार्सल से टिकट, कौन से ज़माने की बात कर रहे हो यार, ये जो आदमी ने मैसेज लिखा कौन से ज़माने में है ये, आजकल टिकट होता है, मेल हो जाता है, SMS हो जाता है, PNR नंबर दे दिया, बात खत्म हो गई, कि पार्सल भेजा जाएगा टिकट कुरियर से या पोस्ट से, सर्टिफिकेट भेजना है, स्कूल सर्टिफिकेट भेजना, क्या है ये। जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा बालाजी टेलीफिल्म्स में, फिर आपको आपका ये जो पार्सल है, आर्टिस्ट कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर, एंट्री कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर एंड रेलवे रिजर्वेशन पास, दो लोगों का क्या क्या है, कैसी DVD, क्या नॉनसेंस लिखा हुआ है। अगर कोई सेंस वाला आदमी इस मैसेज को पढ़ेगा ना तो वैसे ही इसको समझ जाएगा कि भाई ये आदमी कितना बड़ा झोला है, लेकिन भेजा किसने मुझे मैसेज, नहीं लोगों को समझ में नहीं आता भी क्या कर सकते हैं। तो आपको ये भेजा जाएगा, वो भेजा जाएगा, कुछ नहीं भेजा जाता है। अगर उनको टिकट भेजना है वो आपसे बात करेंगे और आप बोलोगे भाई टिकट भेज दो, वो आपको टिकट कराएंगे, आपका जो भी है आप मेल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, मैसेज, इतने सारे ऑप्शन हैं, आपका रहने का अरेंजमेंट कर देंगे, कुछ नहीं चाहिए, ये सब फालतू की बात है। पार्सल भेजा जाएगा, ये है रजिस्ट्रेशन फीस 2,225, ये भेजना है। अब बालाजी टेलीफोन्स का नाम ले लिया तो 2,000 रुपये एक ऐसा अमाउंट है कि कोई भी जो स्कूल कॉलेज में जाने वाला अनएम्प्लॉयड बच्चा भी दे सकता है इजीली। उसको खाली एक्टर बनाने का एक लॉलीपॉप आपने दे दिया, अब उसको लॉलीपॉप को चूसता रहेगा और खुश हो जाएगा, सिलेक्शन हो गया मेरा बालाजी टेलीफोन्स, और बस 2,225 रुपये दे दिए उसने और अब खत्म, उसके बाद कहानी। 2,225 देने के बाद कोई नया कहानी निकालेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे 2,225 रुपये, अब ये जिस बंदे ने मुझे मैसेज भेजा उसने, सर ये क्या है, जेन्युइन है फेक है, भाई पहली बात तो इतने वीडियोस में हमने सब बताया हुआ है, आपको समझ में खुद आना चाहिए कि जेन्युइन है कि फेक है। उसके बाद भी ठीक है, मैंने जवाब दे दिया भाई एकदम फेक है। अब जिस बंदे ने मुझे मैसेज भेजा उसको बता दिया भाई फेक है और इस तरीके का कुछ होता नहीं। अब उसने सेम फिर उसी तरह का एक दोबारा मुझे एक मैसेज भेजा, सेम तरीके से लिखा हुआ कि आपका कुरियर भेजा जाएगा, आर्टिस्ट कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर, रेलवे रिजर्वेशन, प्रोडक्शन हाउस, ये सब देता है और बस आपको कुछ नहीं चाहिए, एक इंडियन सिनेमा वेलफेयर एसोसिएशन का कार्ड चाहिए। मैंने तो आज तक नहीं सुना भाई ये सब कार्ड होता है, क्या है ये इंडियन सिनेमा वेलफेयर एसोसिएशन, हमने नहीं सुना, कहाँ बनता है, कौन सी इंडस्ट्री में बनता है, हमें नहीं मालूम है। कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई रूम हॉस्टल चार्ज नहीं, कोई बस ओनली इंडियन सिनेमा वेलफेयर एसोसिएशन। आगे उन्होंने अपना अकाउंट नंबर दिया, IFSC कोड, ब्रांच कोरेगांव वेस्ट, नाम दिया हुआ है और अपना फोन नंबर दिया। भाई एक चीज मुझे बताओ, अगर कोई कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है, उस कंपनी का अकाउंट होगा कंपनी के नाम से कि नहीं होगा? और आजकल तो इतनी सब चीज़ें चल गई हैं कि भाई अगर कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है तो उनके अपने वेबसाइट होते हैं, वेबसाइट पे पेमेंट ऑप्शन है, पेमेंट गेटवे इंस्टॉल किए हुए हैं, आप वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करो, पेमेंट का ऑप्शन आता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसा पेमेंट करना वैसा पेमेंट करो, आप एक कंपनी खोल के बैठे हो,
ये समझने वाली बात है, ये आपके समझने वाली बात है, दिमाग लगाने वाली बात है कि भाई इतनी छोटी सी बात हमको समझ में नहीं आती है। अगर इतनी सी बात भी हम नहीं समझ सकते तो फिर तो हमारा जो लुटना है, फ्रॉड का शिकार होना बनता है, डिजर्व करते हैं। अगर हमें इतनी सी चीज भी समझ में नहीं आती तो फिर हम डिजर्व करते हैं कि हमें लूटा जाए। और इतना सब होने के बाद, ये लिखने के बाद, आप वो बंदा नीचे लिख रहा है, सर मुझे जेन्युइन लग रहा है, फेक नहीं है लग रहा है, तो दे दो पैसे यार, कौन सा मेरी जेब से जाने वाला, दे दो तुम्हें लग रहा है। भाई मना करूंगा तो कल को क्या बोलोगे कि मैं स्टार बन जाता, आपकी वजह से नहीं बना, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा करियर, तुम्हारी लाइफ, हमने सब बताया ना, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। एक सेंसिबल आदमी इसको पढ़ेगा क्योंकि ये फेक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, आदमी समझना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता। अब किसी एक आदमी ने आपको एक ये एक लॉलीपॉप दे दिया तो तुम सेलेक्ट हो गए हो, 2250 दे दो। अब 2250 देने के बाद फिर और कुछ डिमांड करेगा, फिर कुछ और डिमांड करेगा, और आप उसकी डिमांड फुलफिल करते रहेंगे और एंड ऑफ द डे आपके हाथ कुछ नहीं रहेगा। वहीं हम क्या बोलते हैं, आपको काम करना है तो पहले नॉलेज गेन कीजिए, हमारे वीडियोस हैं वो देखिए, पूरी इंफॉर्मेशन है कैसे जेन्युइन और फेक में आप अंतर कर सकते हैं वो है। तो अब जैसे हमने अपने वीडियो में सब बताया हो, तो थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये जेन्युइन है कि फेक है। ये जो लैंग्वेज इन्होंने लिखी है उससे ही समझ में आता है। किसी भी जो काम करने वाले इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि इतनी बड़ी राम कहानी लिखेगा, इतने बड़े बड़े मैसेज वो टाइप करेगा, और इस तरह का कुछ होता भी नहीं। तो ये आप लोगों का काम है। और अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग नहीं समझते, लोग समझते नहीं है, समझना नहीं चाहते हैं, बस उनको किसी ने कह दिया आपका सिलेक्शन हो गया, बस भाई सिलेक्शन हो गया तो ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, हमारा कहना है कि आप बॉम्बे आओ, नॉलेज गेन करो, कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमारी जो वन वीक की वर्कशॉप है, हमारी वर्कशॉप में वर्कशॉप अटेंड करो, हम आपको पूरी इंडस्ट्री दिखाएंगे, क्या एक्टिंग है, बॉलीवुड क्या है, वो हम सब बताएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है कि इस तरह के मैसेज में आदमी का दिमाग नहीं चलता है, हमारे काम मिल गया, सर ये है वो, हमने जब कह दिया कि भाई सीख लो, समझ लो, तब लोग इंटेलिजेंट हो जाते हैं, स्मार्ट हो जाते हैं। सर आपने कौन सी फिल्म में काम किया है, आपने कितने लोगों को सिखाया है, कितने लोग स्टार बन गए, कि ये हो गए, इस तरह के काम की गारंटी है कि नहीं है, जबकि हमारा पूरा प्रोफाइल, पूरा बैकग्राउंड पिछले 5 साल से हमारी हर एक चीज यूट्यूब पे, फेसबुक पे अवेलेबल है। मैंने क्या काम किया, मेरा पूरा फेसबुक खोल के देखो क्या क्या काम किया, सब मिलेगा। मेरे कितने स्टूडेंट कहाँ कहाँ क्या क्या काम करें, हम फेसबुक पे अपडेट करते हैं, हम हमारे यूट्यूब पे हम वीडियोस बना के डालते हैं। बट यहाँ इतने ही सवाल, अगर वो इन मैसेज पे, इन इतना दिमाग इस पे लगाए, इन चीज़ों पे, इन फेक मैसेज पे, तो आदमी फ्रॉड का शिकार हो गई। अब लोग क्या सीखना नहीं चाहते हैं, माइंड जो अपनी कॉमन सेंस भी यूज नहीं करना चाहते हैं। बस दिन में ऐसे पता नहीं कितने लोगों के मैसेज आते हैं, सर हमने वहाँ फोटो भेजा था, वो आदमी पैसे मांग रहा है, आप बताओ पता करके फेक है या नहीं। भाई मैंने कोई इंक्वायरी ऑफिस थोड़ी खोला हुआ, आपके फोटो आप भेजोगे, आपका काम है, हम यही थोड़ी करेंगे कि लोगों का पता लगे कौन फेक है कौन जेन्युइन है। खुद समझो इस चीज को कि आदमी की दो बात से पता चलता है, जेन्युइन आदमी होगा वो आपसे दो बात करेगा, हाँ ठीक है कुछ काम होगा मैं बताऊंगा। जेन्युइन आदमी होगा वो आपको सीधा बोलेगा कि ठीक है आपको बॉम्बे आना है, या तो आप अपने टिकट चाहिए तो मैं टिकट भेजता हूँ, इतना हम आपको पे करेंगे, ये फैसिलिटीज हम देंगे, वो इस तरह की कहानी बनाई गई है। तो मेन प्रॉब्लम वही है, लोग सीखना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। और इसको भी फिर ये जिस बंदे ने मैसेज भेजे, 2-3 बार भेजे, मैंने मना किया भाई मुझे मत भेजो मैसेज, ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है डिसाइड करना कौन फेक है कौन जेन्युइन है। कि डोंट, हमें ऐसे ही इंक्वायरी ऑफिस ट्रीट मत करो। हाँ आप हमसे पूछते हो कि हमें क्या करना चाहिए, हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। और जैसे अब इन चीजों से बचा कैसे जाए, कुछ नहीं है, मैं हर बार एक सिंपल सी बात मैं कई बार बता चुका हूं, अपने फोटो भेज दिया, अपने ऑडिशन दे दिया, उसके बाद कोई भी आपसे पोर्टफोलियो, आर्टिस्ट कार्ड,
या इस तरह के एग्रीमेंट के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे, किसी भी नाम पे पैसा मांगता है उसको नहीं देना है। हाँ, कास्टिंग एजेंसीज का रजिस्ट्रेशन फीस वो एक उसमें उसको हम अलग रख सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रोसेस में आता है कि नहीं आपने कास्टिंग, बट वो भी जेन्युइन है कि नहीं वो देखना हमारा। तो जो भी, जैसे आप लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कौन जेन्युइन है कौन फेक है। तो इस तरह से आपको बार बार मैसेज करके पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। और ये जो बड़े नाम के नाम से जो भी आते हैं ऐड फेसबुक पे, ट्विटर पे, वेलेक्स पे, इनसे थोड़ा बच के रहिए। और जो बालाजी टेलीफिल्म्स है वो कभी ऐसे ऐड नहीं देता, उनको ज़रूरत ही नहीं है। सैकड़ों आर्टिस्ट डेली उनके ऑफिस में पहुंचते हैं, तो एक्टरों का कोई अकाल नहीं है बॉम्बे में, अकाल नहीं पड़ा हुआ है कि वो इस तरह से किसी को, ये खुद सोचने समझने वाली बात है। तो बजाय इन चक्करों में पढ़ने के, सीखने में समझने में टाइम और एफर्ट्स इन्वेस्ट कीजिए। नॉलेज है वो आपको आगे तक काम आएगी।